इस मुल्क के नाम निशान को मिटा दो, गली गली कूचे कूचे में बम ब्लास्टिंग करो, जो कौम अपनी गैरत को बेच दे उस कौम को मिट जाना चाहिए। यह मैं एक नई कौम आबाद करूंगा, नई बस्ती होगी, उसको सलूट करेंगे। जबरदस्त दुश्मना बचिया तो दुमरा जोरावर शेची सरदार हाकिम खान पर किले दे हमला उकड़ा। तो वर्जा मुंग हम से पला सुन के भंगड़ी ने दिया चोलिया रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख फैज मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज 23। आज हमारे साथ एक पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ हस्ती मौजूद है जिनका नाम है मुमताज ज़ेब खान। हमेशा इन्होंने विलन का रोल निभाया और बहुत खूबसूरती से निभाया और बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया, बहुत सराहा। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुमताज ज़ेब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? आपकी दुआ है। अच्छा सर बताएं, आपने 1968 में इसका आगाज किया और सबसे पहले आपने कहाँ इसका स्टार्ट किया? स्टेज से किया, रेडियो से किया, कैसे आपको और इसका शौक कैसे पैदा हुआ? यार ये तो मैं डर इस्माइल खान के पीके का आखिरी शहर है, हम उसके बाद पंजाब शुरू होता है डर गाजी खान। तो हम स्कूल में थे उस वक्त, तो मैं 9th क्लास में था, 9th 10th में था। तो तकरीबन ये थिएटर ड्रामा पाकिस्तान में, बल्कि के पी के की बात करूँगा, उस वक्त तो वन यूनिट था, ये तो अब के पी के बन गया, पंजाब बन गया फलाना, उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान। तो उस वक्त ये ड्रामा थिएटर तकरीबन ख़त्म हो चुका था। हमारे कुछ उस्ताद थे, हमारे हम ख्याल क्लास फेलो थे, हम मिले, यार ये जो हम किताब में पढ़ रहे हैं ड्रामा है तो ये डायलॉग्स हैं तो ये फलाना, ये ड्रामा किसे कहते हैं? हमारे कुछ उस्ताद थे फ़ख्र सुलेमानी साहब और अब्दुल जब्बार कुरैशी साहब और कौसर कुमार और कुछ और लड़के थे, वफात पा गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एक टीम बना दी हम लड़कों ने और टीम जब बनी तो एक स्टेज बनाया अपनी मदद आपके तहत, हम जाकर के चादरों में जनाब, वहाँ एक सोशल वेलफेयर सेंटर था, मैदान था, उसमें स्टेज बनाया। और स्टेज के बाद फिर वो जो जब्बार कुरैशी साहब थे वो इंडिया से आए थे तो वो थिएटर जानते थे, तो उन्होंने कर्टन्स लगाए, पर्दा लगाए, ऐसे खींचा जाते हैं, विंग लगाए, इसको विंग कहते हैं ये, तो 13 एक्ट प्ले वो किया। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले विलन लिया। विलन क्या था? एक यहूदी बादशाह का फौज का जर्नल। अब मेरा 6 फुट कद था, लंबा सा देहाती आदमी था। तो वो पहला ड्रामा था हमारा थिएटर में। और उसमें क्या था, मैं तब थोड़ा थोड़ा समझने लगा क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया था, हमारे सरदार साहब ने फरमाया है कि भाई आप लोग भूखे भी रहें, पत्थर भी बांधो, किसी गैर मज़हब के सामने हाथ मत जोड़ो कि भाई रोटी दो, खाना दो, ये दो। वो चीज़ एक जहन में थी। अच्छा जब डायलॉग्स आए तो उन्होंने मुझे विलन लिया। विलन क्या था? अब ये मास्टर रहमत अली रहमत का लिखा हुआ खेल है, यहूदी की लड़की। या आपने पहला स्टेज जो किया? हाँ, उसके वो पहला ही है और उसमें पहला डायलॉग यही था। तो उसमें फिरदौस जमाल एक मासूम वो बना होता है, मैं हंटर लेके आता हूँ, छोटा मारता हूँ, क्या मुसलमानों के जलील कुत्ते, जब भूखे होते हो तो हमारी तरफ दौड़ाते हो, माई बाप हमको रोटी दो, उस वक्त तुमको तेरा खुदा याद नहीं आता, और जब हम तेरा पेट भरते हैं और तेरा पेट भर जाता है तो हम ही को भोंकता है कि हम यहूदी कुत्ता है। फिर मैं हंटर से मारता, झड़ा झड़ा दे दो इनको रोटी, ये जलील कौम को। तब मैं समझो, अच्छा ये तो ड्रामे का मतलब है कौम के अंदर गैरत ईमानी को जगाना, इंसान के अंदर अपना एक इंसान को जगाना, मेहनत करो, खाओ, नहीं है तो बगैर भूखे रहो, अगले दिन वो देने वाला तुमको देगा। तो मेरा पहला ड्रामा था जी, यहूदी की लड़की, और थिएटर पे है।
फिर शौक बढ़ गया। फिर आपने पहली फिल्म कब साइन की और कब? अरे भाई फिल्म तो बहुत दूर की बात है, फिर मैं गया पिशावर, डर इस्माइल खान से तो पिशावर दूर था, हम रेगिस्तानों के लोग हैं, रेगिस्तान में दूर दूर आधे निगाह था, कोई गांव नहीं, पीने का पानी नहीं, कोई आधे एक दरख्त नज़र आता था और बड़ा खूबसूरत अजीब सा कोई तलसम कदक वाला माहौल, अब तो वो रेगिस्तान ही नहीं रहे। मैं गया वहाँ पिशावर से, फिर हमने ड्रामे थिएटर भी शुरू किया और रेडियो पाकिस्तान पे मैं गया, तो कुछ मुद्दत कुछ महीने तो हम खड़े में वो अपनी वाइब्रेशन ठीक करते थे, हमारा साउंड जो है आवाज़ वो बेस में आए, फिर हमारा तलफ़ जो है वो थोड़ा सा ठीक करना, फिर रेडियो पे मैं अप्रूव हुआ और फिर रेडियो पाकिस्तान पे मैंने तकरीबन 80 तक काम करता रहा एज ए ड्रामा वोकलिस्ट। और रेडियो पे पहला ड्रामा मेरा था जहाँ बर्फ गिरती है, उसमें मैं विलन था और वदूद प्रोफेसर वदूद मंजर साहब थे, बिल्कुल दलीप कुमार साहब की डेटो कॉपी और साउंड भी वही सब, और उसका रिश्तेदार बल्कि है पिशावर में, अब तो वफात पा गया, तो वो हीरो आता रेडियो पे और मैं विलन आता था रेडियो पे। सर आपको विलन ही क्यों चूज़ किया गया, या आपने खुद ही डिसाइड किया या किसी डायरेक्टर ने कहा कि आपको एज ए विलन ही सूट करे? ये बात तो जब मैं टेलीविज़न पे आया, टेलीविज़न में पहला ड्रामा मेरा सांप और सीढ़ियाँ, नुसरत ठाकर साहब का एक खेल, जमील मलिक लाहौर का लिखा हुआ खेल था, तो उसमें भी एज ए विलन मुझे लिया। फिर उसके बाद तो तौफीक शाह साहब फरमान साहब, मैंने कोई 18 उर्दू के सीरियल्स किए, गुले लाला, गुले संग, बयाबां, करो भी, रिश्ते, हम लोग, रेजा रेजा, सूखा सावन, फकीर फेपी और एक पश्तो सीरियल सहर, तो वो होते गए। फिर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया लाहौर तो मैंने जीवा फिल्म थी, सैयद नूर साहब ने मुझे लिया, वह तो एज ए विलन लिया। पजारो ग्रुप में सुल्तान राही साहब हीरो थे तो मुझे एज ए विलन लिया मुकम्मल उसके मुकाबले में। ऐसे पश्तो फिल्म नसीम खान ने रिवाज तो मुझे विलन लिया, और नियामत साहब और बदर साहब और आसिफ खान साहब वो तीनों हीरो थे। तो मैंने एक दिन क्वेश्चन किया अपने डायरेक्टर से, मैंने कहा सर ये आप लोग मुझे जो विलन लेते हैं उसकी वजह क्या है? मैंने कहा मैं दिल की बात बाद में बताऊंगा, मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सर आप जब उठते हैं बैठते हैं चलते हैं तो बेख्याली में आप बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, आप जब अगले को देखते हैं तो आपके लुक में एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि दिस है ये ऐसा वैसे या फलां। अच्छा मैंने कहा वो मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ और हमारा एक पठान कबीला है, मदखेल अफगान कबीला, तो हमारा ख़ानदान उस कबीले का तमाम ऊपर मरवत पठानों का सरदार कबीला है, हम लोग भी सीधे साधे रेगिस्तान में चादर बिछा कर लेते हैं, लेकिन एक जागीर थी हमारी और इलाका था, तो ऑटोमेटिकली इलाके में बहुत कुछ होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए आँख भी अल्लाह ताला ने कुदरती एक ज़रा कमांडिंग वाली आँख होती है उसमें। तो डायरेक्टर ने कहा कि आप में ये चीज़ें हैं। अच्छा एक दिन मुझे एक फिल्म डायरेक्टर नसीम खान साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे आपको हम हीरो लेते हैं। मैंने कहा नहीं मेरे दिल की बात सुनो। वक्त गुजरते साथ साथ मेरे दिल में आया कि यार हम इस ज़मीन पे ये जो एक प्लेनेट है गेंद जितना इस पे हम अल्लाह के खलीफा हैं। अल्लाह ने कहा भाई नाइब टू मी नाइब टू अल्लाह खलीफतुल्लाह, हम इंसान अच्छा यानी अल्लाह के हम खलीफा हैं, अल्लाह को देखा भी नहीं, इसका मतलब है क्यों ना हम अल्लाह की बड़ाई बयान करें, हम खुरमाम सवाब हो जिसमें हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो अल्लाह से दूर ना हो, अपनी हैसियत पहचाने और फिर ऑनलाइन हो तो वो फिर अपना स्टेट भी पहचाने, अपने मुल्क को पहचाने, इसकी हिफाजत भी जाने और उनका यानी बसीर जो है वो इतना ओपन हो। अच्छा फिल्म में आने से पहले या ड्रामा थिएटर करने से पहले आप शादी कर चुके थे या करनी थी? नहीं थिएटर जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त तो 9th क्लास में था, फिर 10th में फर्स्ट ईयर में फिर मैंने शादी की।
तो आपके बच्चों ने आपसे कभी सवाल नहीं किया कि पापा आप जब भी आते हैं ऐसे विलन ही आते हैं, आप ऐसे हीरो क्यों नहीं आते? क्यों नहीं? माशाल्लाह मेरी 5 बेटियां हैं, 1 माजूर है, वो न बोल सकती है, न चल फिर सकती है, न बैठ सकती है, न मैं ही उसकी खिदमत करता हूँ। अब 27 साल है, मैं उसको माँ बोलता हूँ, अम्मी, वो आंखों आंखों में देखती है और आंखों से बात करती है और फिर हंस पड़ती है कि मतलब है मैं तो बोल नहीं सकती। अच्छा, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं यहाँ फिल्म में फिर मैं आँख से बात करता हूँ, ये मेरी बेटी के साथ। मेरी एक बेटी जो है वो MPhil किया हुआ है, PhD कर रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर है एजुकेशन में। एक दूसरी बेटी है वो भी MPhil कर रही है। एक तीसरी बेटी मेरी जो है वो LLB कर रही है। चौथी जो है वो लॉयर, वो अब MA में दाखिला लेंगी शायद। मैं आज अगर चला या कल परसों तक मैं उसका MA में। और एक बेटी जो है वो मेडिकल कर रही है। उन्होंने मुझसे बहुत सवाल किया, अबू ये तुम आप विलन क्यों आते हैं, हमें इतने बुरे लगते हो? मैंने कहा मेरा बेटा याद रखो, हीरो बन के मुझे समझ नहीं आती मैं कौम को कैसे जगाऊं। विलन बन के मैं कौम को जगाता हूं। मसलन कैसे? मैंने एक दफा इलेक्शन किया, इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन में जीत गया, असेंबली आई, उसने तक जनरल फलेक सब गवर्नर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, सर हम आपको विलन वो मिनिस्टर लेते हैं, आप तो ऑलरेडी एक्टर हैं TV के, रेडियो पाकिस्तान के। तो उस वक्त मैं फिल्म में नहीं आया था, हम आपको एक्टर लेते वो मिनिस्टर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन की, आप आ जाए। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो गलती कर चुका हूँ, इलेक्शन कंटेस्ट किया मैंने इसलिए कि जब मैंने देखा तो ये सियासतदान सब करप्ट है, मोस्ट करप्ट तबका जो है वो सियासतदान है, पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहे आप यूनियन काउंसिल के एक लोअर मेंबर से लेके और अब जाए मैंने प्राइम मिनिस्टर के सीट तक और बड़ी बड़ी सीटों तक, वो सब करप्ट है और बाकायदा कुरान पाक रख के कस्में खा के करप्शन करते हैं। मैं डर गया, मैंने जनरल साहब से कहा सर मैं तो अल्लाह से डर गया हूँ, मेरी तो दो बह, मैं सियासत से बैक करता हूँ और इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती। तो आप सियासत में जो थे वो कौन सा इलेक्शन जीते थे, काउंसलर का? मैं जिला काउंसलर। अच्छा, और जिला मेरा जो हल्का था वो पूरे MPA का था क्योंकि मेरी बीवी भी मेम्बर थी। अच्छा अच्छा। मेरी बीवी दूसरी बेगम जो है वो आर्टिस्ट थी, वो मैंने टेलीविजन में उससे शादी की थी 1983 में, वो भी टेलीविजन आर्टिस्ट थी। और बाद में जब इलेक्शन कंटेस्ट किया, मेंबर आई, मेरी माजूर बेटी पैदा हुई, फिर वो घर की घर ही रह गई, अब तो बेचारी बूढ़ी हो गई। तो वो मैंने मिनिस्ट्री भी नहीं की छोड़ी, मैंने कहा नहीं नहीं ये वो मेरा अपना काम दुरुस्त है। मैंने कहा मैं तौबा है, मेरी कौम को मैंने तकरीर किया, मैंने कहा भाई वो बस गलती हुई, ये पाकिस्तानी कौम ठीक नहीं हो सकती, यहाँ सिर्फ जनरल मुशरफ जैसा बंदा है एडमिनिस्ट्रेटर, एक बाप होना चाहिए इस मुल्क का, पॉलिटिक्स हम नहीं जानते, हम वो नोट लो वोट दो। तो मुझे बताएं जहां ये खरीद खरीदो फरोख्त शुरू हो उसको क्या पता हमारी स्टेट जो है ये पाकिस्तान ये क्या है, ये मट्टी जो है ये क्या है, ये कौम को कौम बनाने वाला वो बाप क्या है, यहाँ तो जो भी आता मतलब है। आपके कहने का है जितने भी पॉलिटिशियन मिनिस्टर्स वगैरह हैं सिर्फ बातों से घर पूरा करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नो नो नो। मुझे बताएं एक आपका एक MPA जा करके 10 करोड़ रुपए पे मेंबर बन के आते हैं, आप कभी उसकी जाती जिंदगी में देखो, साथ पड़ोस में एक गरीब बेचारा बंदा मर रहा होगा भूख से प्यास से, उसके बच्चे नंगे हुए, कभी उसको ख्याल आया कि ये मैं इसका घर बनाऊं और इसके मैं कोई बंदोबस्त करूं और पैसे दूं और पेट का? तो यहाँ 10 करोड़ पे वो कौम से, तो जब वो कुर्सी पे बैठेगा अपने 10 करोड़ रुपए वापस करेगा कि वो आपका ख्याल करेगा? अच्छा मुमताज साहब, आज जो आप एवेन्यू स्टूडियो में आए, आज आप कौन सी फिल्म के लिए आए और आपकी आने वाली नई फिल्म का क्या नाम है? पश्तो फिल्म है, अब तो फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई तकरीबन। अच्छा, तकरीबन मेरा ख्याल है या नसीब या अल्लाह की बातें तो अल्लाह ही जाने, शायद अगले साल इंडस्ट्री में कोई फिल्म बने या ना बने, मेरा अपना विजन है। मुझे इस फील्ड में 53 साल आधी सदी से ऊपर हो गए और मैं विलन ही आ रहा हूँ और बाकायदा सोच समझ के विलन आता हूँ मैं, वो इसलिए कि जैसे मेरी एक 3 Stupid एक फिल्म थी, आपको उस सवाल का भी जवाब देता हूँ मैं किस फिल्म के लिए आया हूँ। पश्तो फिल्म है,
अरशद खान डायरेक्टर हैं, शाहिद खान उसका हीरो है, और ये हाजी लाला सरदार खान का एक यानी आज से 40-45 साल पहले उसका एक इदारा है। तो पिछले तकरीबन 25-30 साल से तो यही दो बच्चे जो हैं अरशद खान और शाहिद खान ये इंडस्ट्री को खींच रहे हैं बेचारे, लंगड़ी लूली इंडस्ट्री पर ये फिल्म बना रहे हैं, फिल्म बनाते हैं, सिनेमा पे लगा, हिम्मत नहीं हारती, हिम्मत नहीं हारी। अब भी इस पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही फिल्म बन रही है और उसका नाम है कशर खान बन छेड़े, यानी मतलब है मैं खान हूँ तो मेरा एक बेटा है, तो वो कहते हैं यार मुझे छेड़ो मत, मुझे भाई छोटे खान को मत छेड़ो, दिमाग का कुछ और स्टाइल है उसका। तो उस फिल्म की शूटिंग के लिए मैं आया हूँ। मैं विलन बन के ना मैं अपनी कौम की सही रहनुमाई करता हूँ। कैसे? मसलन अंजुम परेश की एक फिल्म थी 3 Stupid, उसमें मैं विलन होता हूँ, एक दहशत गर्द होता हूँ, आता हूँ तो अपने लोगों से मीटिंग में कहता हूँ मिटा दो इस कौम को, इस मुल्क के नाम निशान को मिटा दो, गली गली कूचे कूचे में बम ब्लास्टिंग करो, जो कौम अपनी गैरत को बेच दे उस कौम को मिट जाना चाहिए। यहाँ मैं एक नई कौम आबाद करूँगा, नई बस्ती होगी, उसको सलूट करेंगे। है तो मैं वो उनकी गैरत को जगाता हूँ कि जब तुम लोग 2 टके के ही बस बिक जाते हो तो जालिमो ये मुल्क का क्या होगा। डायलॉग जरा एक सुना है। पश्तो का? पश्तो में पश्तो समझ में आएगी उसका, आप उर्दू में भी ट्रांसलेट कीजिए मैंने क्या कहा। अच्छा, जबरदस्त दुश्मन बचिया तो दुमरा जोरावर शेची सरदार हाकिम खान पर किले दे हमला उकड़ा तो वर्जा मुंग हम से पला सुन के भंगड़ी ने दिया चोली यारा अब ये पश्तो फिल्म का डायलॉग है, जैदी साहब थे, एक जहूर जैदी साहब का लिखा हुआ डायलॉग है, नसीम खान की फिल्म थी। ये कहता है कि एक बदर साहब मेरा दुश्मन होता है, मेरे किले पे हमला करता है, मैं एक बड़ा खान बहादुर आदमी और बड़ा बंदूक वाला और मैनुअल पावर वाला बंदा हूँ, वो गरीब आदमी आता है मेरे बंदों को मार मार के मेरे किले को गेट तोड़ के तो सामने आता है। तो मैं उसे कहता हूँ कि वाह दुश्मन बच्चे, इन तुम इस कदर बहादुर हो कि मुझ जैसे सरदार और ताकतवर आदमी का मुकाबला किया और मेरे किले पे हमला किया, मेरे बंदों को मारा। तो लाफ्टर लेता है, ठीक है बच्चे तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, इतना सोचो कि मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी, तेरे पीछे ही मैं तेरे ऊपर हमला करने आ रहा हूं। और फिर लाफ्टर लेता है, जाओ बच्चे। तो नाजरीन आज हमारे साथ मुमताज जेब खान साहब मौजूद थे, जो कि हमारे इस पाकिस्तान की इंडस्ट्री के एक बड़े अच्छे नामवर विलन रहे हैं, और अभी तक इनके मुकाबले में कोई विलन नहीं है। तो मैं हूं आपका होस्ट शेख फैज मोहम्मद अली, और आप देख रहे थे सोशल न्यूज 23। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स अ मिलियन, और कमेंट्स भी जरूर दीजिए तमाम नाज़रीन को विद लव। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।